ओके सर, इसके दो ऐसे लोग हाथ उठाएं जिनके में एक देवता और एक राक्षस, वो दो प्लैनेट्स की आपस में युति हो रही है। देवताओं की अगर आपस में युति हो रही है तो मामला कहीं ना कहीं संभल जाता है। कांतिलाल जी है हमारे साथ। कांतिलाल जी, बाकी सब लोग म्यूट कर दीजिए सर जी। हेलो। हाँ सर, क्या मेरा सर, दर्शन देखो दर्शन तो फर्स्ट, दे दो, कैमरा तो ऑन कर लो सर। हाँ मैं कांतिलाल मुनोत पुणे से बात कर रहा हूँ। जी कांति हाँ, जी, मेरे फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। फिफ्थ हाउस में रवि, रवि, बुध और शनि है, और नाइन्थ हाउस में भी कोई प्लेनेट नहीं है। बुध और शनि हाँ, मतलब तीनों है जी। ट्रायंगल के प्लान है, सब उसी में आगे, फिफ्थ हाँ में ही ठीक है, आगे। हाँ ठीक है, तो सूर्य और शनि तो आ गए ना एक साथ, हाँ, सूर्य और शनि है सर, तो सूर्य शनि है जैसे तो हड्डियों हड्डियों का दर्द देगा। हड्डियों का दर्द है सर, घुटने में दर्द रहता है हमेशा, और घुटने का एक नी रिप्लेसमेंट भी किया है। वो हो गई है। और पिताजी से मैं दूर रहता हूँ, रवि शनि एक टिकट है, इसलिए वो बाद में ही अभी मेरी हम मेडिकल के प्रोग्रेस हो पॉइंट ऑफ व्यू से ही गई बात कर बाद में ही मेरी प्रोग्रेस हो गई, और रहे जो एजुकेशन में भी मेरा खंडा आ गया बुध हैं। और शनि की वजह से, बीच में कट गया एजुकेशन। नहीं, वहां से नहीं करता, उसका दूसरा तरीका, आपके बुध के साथ केतु बैठा होगा। केतु तो सर वो उसमें नहीं है, केतु सेकंड हाउस में सर। केतु सेकेंड हाउस में और बुध कहाँ कह है? रहा मकर लगना है क्या है, सेकंड हाउस में केतु है। बुध कहाँ है सर? बुध मेरा फिफ्थ हाउस में नहीं सर, बुध शनि और रवि तीनों इकट्ठे, और सन तीन, तीसरा हाँ, चौथा हाउस, तीसरा चौथा हाउस खाली है। तीसरा हाउस खाली है सर, चौथा उसमें चंद्र और शुक्र है। वो शनि और अपना सूर्य आ गया ना, तो हाँ हड्डियों का राइट, पेन देते। तो उसने प्रॉब्लम दे दिया सर, पक्का इसमें कोई शक नहीं है, आपने कहा बिल्कुल सूर्य ठीक शनि कहा। की युति होगी तो हाँ बैक पेन, हड्डियों का पेन होगा, होगा ही होगा, प्लस अच्छा प्लस सरकार से कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। बिल्कुल ठीक है सर। आई वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन डिफेंस मिनिस्ट्री में काम में था, 40 साल वहां पर जॉब किया मैंने। सरकारी नौकरी का सबसे अच्छा योग है सूर्य शनि की युति। अगर राइट सर, सरकारी नौकरी नहीं है तो सरकार से आपको पैसा जरूर मिलेगा, चाहे मिला ना वसीके के फंड्स, तौर पे मिला। पेंशन फंड्स मिलता है, पेंशन मिलती है, सब फायदे तो सब हाँ, मिलते हैं उनके तरफ से, मेडिकल नहीं, हेल्प मिलती है। जिनकी सरकारी नौकरी नहीं भी है ना, उनको भी सरकार से पैसा मिलता है। जैसे प्रमोद जी ने बताया कि प्रमोद हाँ जी बैंक से लोन कराते हैं, DSA, ठीक है। अच्छा तो मैंने इनको क्या बोला कि सरकारी बैंकों से आपका अच्छा रहेगा, तो इन्होंने बोला मेरी एक्सपर्टाइज क्यों हाँ है, क्योंकि सूर्य और शनि की इनकी पत्री में युति है, तो सरकार से पैसा, आप सरकार से लोन कराएंगे तो इनको कुछ मिलेगा ना पीछे, डेफिनेटली सर, तो बैंक को, सरकारी बैंकों से इनका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रिडिक्शन में राइट हम सर, इसको इस तरीके से देखते राइट सर, राइट हैं। सर, यू आर करेक्ट, जो लोग सरकारी नौकरी नहीं भी करते वो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, यस तो जो सर, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वो भी तो कमाते हैं ना, बिल्कुल ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट तो में मिलता है सरकार से पैसा, पैसा सरकार से मैं एक दिन ऐसे ही फायदा पढ़ सर, सरकार से फायदा किसी न किसी सरकार से चीज से। पैसा हाँ मैं एक दिन ऐसे किसी को क्लास में पढ़ा रहा था, अच्छा तो एक लड़की थी, वो बोली कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, मुझे तो कुछ हाँ नहीं मिला, बहुत देर तक बोलती रही। मैंने कहा चेक करो मिला होगा, तो थोड़ी देर सोचने के बाद उसने बोला कि हाँ मैंने सारी जिंदगी पढ़ाई सरकारी स्कॉलरशिप से करी है। बिल्कुल ठीक है, पैसा तो अरे मिला स्कॉलरशिप भी तो सरकार सरकार से मिलने वाला के पैसा ही दे, है। या किसी और ने नहीं दिए वो हाँ, स्टेट तो सरकार से पैसा आपको जरूर मिलेगा, चाहे स्कॉलरशिप में मिले, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में मिले, चाहे सैलरी में गवर्नमेंट से मिले, चाहे मिलो या सेंट्रल गवर्नमेंट से, किसी से न किसी स्कॉलरशिप तो मिली है, और कुछ मिलनी नहीं, मिली, मिली है सरकार से बराबर पैसा आपको जरूर सर का मिलेगा। सर, बराबर फायदा हुआ है। और कहाँ से हो सर आप? पूना से? मैं पुणे से, पुणे में हूँ, अच्छा, पुणे चलिए बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पुणे। आप रिटायरमेंट के बाद भी इंटरेस्ट ले रहे हो इस सब्जेक्ट हाँ में, मुझे इंटरेस्ट ये ले रहा हूँ जानकर सर, बहुत बहुत अच्छा मुझे लगा। इंटरेस्ट है। नाउ आई एम 80 सर, बहुत अच्छी बात, 1942 का है मैं। थैंक यू बहुत सर, अच्छा थैंक सर। यू वेरी मच। आप लोगों को हाँ देख के हमें बड़ी इंस्पिरेशन मिलती थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपसे भी बहुत अच्छा सीखने मिल रहा है, और क्या है
हम भी आनंद ले रहे सर आपके पढ़ाने का, और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ प्रसाद जी हमारे साथ, थैंक यू सर, थैंक यू प्रसाद, थैंक यू। मैं बंद करता हूँ, म्यूट कर। प्रसाद जी ऑडियो ऑन कर लिया, बात करिए। अच्छा, इसी तरह की युति अगर आपके 212 में बन रही हो ना, तो भी यही असर होगा। किसी भी युति में आने दो, अगर वो प्लैनेट दो युति में आ रहे हैं तो ये असर होगा, 212 के इक्वेशन में भी होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्राइन में होगा, 212 में भी होगा। हाँ जी प्रसाद जी, शायद ऑडियो ऑन नहीं हो रहा होगा। राजकुमार जी, राहुल कुमार जी, हाँ जी राहुल जी बताइए। हाँ सर नमस्ते। मेरे फोर्थ ट्राइम में, फोर्थ हाउस में सन एंड जुपिटर है, एट्थ हाउस में मून है और ट्वेल्थ हाउस में राहु है। सूर्य और राहु की युति हो रही है ना, फोर्थ एंड ट्वेल्थ। फोर्थ में सन और जुपिटर है सर, हाँ, ट्वेल्थ में राहु है। सूर्य और जुपिटर साथ में बैठे हुए हैं तो हार्ट की प्रॉब्लम होते होते क्योर कर देगी, होगी, लेकिन कहीं ना कहीं से उसका समाधान भी हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर और सूर्य दोनों ही क्योर करने वाले, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत होगी जरूर। उसको अवॉइड करना था, वो हो जाएगा अपने आप ही, हो जाएगा। प्लैनेट ऐसे बैठे हैं कि रोग भी दे रहे हैं और उसका इलाज भी दे रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, वो भगवान जी ने कर दिया इंतजाम, चिंता नहीं होगी। ये होता है हमारी पृथ्वी में, रोग होगा कि नहीं होगा उसका भी देखना पड़ता। सूर्य अपने आप में रोगों का उपाय भी, अगर सूर्य की पोजीशन अच्छी है तो उपाय हो जाएगा, सूर्य खराब है तो उपाय नहीं है, बृहस्पति अच्छा है उपाय हो जाएगा, बृहस्पति अच्छा नहीं उपाय नहीं। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनका छठे हाउस में जुपिटर है? छठा हाउस समझ रहे हो ना, मैं दिखा देता हूँ, ये वाला हाउस, यहाँ पे कितने लोगों का जुपिटर है? एक बार सारे लोग हैंडरेस हटा दीजिए ताकि मुझे नया पता लगे कि कौन कौन से लोग नए बात कर रहे हैं। जिन लोगों के छठे हाउस में जुपिटर है, मैं बता, ये लोग जब कभी भी हेल्थ इश्यू को आते हैं, लाइफ में कभी भी कोई परेशानी आती है, तो इनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद करने वाला आ जाता है और ये उस बीमारी से बच के निकल जाते हैं, चाहे मरने लायक जैसी बीमारी भी क्यों ना हो। मतलब बहुत डेडली डिजीज भी होगी ना, लेकिन अगर छठे हाउस में जुपिटर है तो कहीं ना कहीं से उनको कोई ना कोई इलाज मिल जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। जिन लोगों का जुपिटर सिक्स हाउस में है और उनके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो तो वो अपना हैंड रेज करके मुझे बताएं। एक बार सब लोग हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। देवांश जी है हमारे साथ, देवांश जी कुछ और लोग, मैं एक बार म्यूट हटा रहा हूँ, एक एक करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, सब एक साथ ना बोलें तो अच्छा, समझ ही कुछ नहीं आएगा। छठे हाउस में जुपिटर किसका है? सर मेरा है, सतीश शर्मा सर। सतीश, अभी सतीश जी बोलेंगे, बाकी थोड़ा सा वेट करें। क्या एक्सपीरियंस रहा सतीश जी, कैमरा ऑन कर लो जरा, कोई दिक्कत ना हो। ओके सर, ओके जी सर। कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपको? सर ईश्वर की कृपा से कभी वैसे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन मुझे अभी नेजल पॉलिप्स हो गया था और बहुत ज्यादा मतलब 10 साल से परेशान था, ऑपरेशन मैंने कराया। और जैसे आप हेल्प की बात कर रहे थे तो एक मेरे मित्र थे, उन्होंने काफी हेल्प करके मेरा जो ऑपरेशन था ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा रहा और अब कोई समस्या है नहीं। इनको कहीं ना कहीं से इनके रोगों का इलाज मिल जाएगा और ये ठीक हो, अगर 6000 में जुपिटर है। लेकिन एक कंडीशन एक और है, अगर छठे हाउस में जुपिटर है तो ये बीमार भी होंगे और फिर इनको इलाज भी मिल जाएगा, दोनों ही चीजें होंगी।
ठीक है, तो बीमारी होगी, क्या होगी वो एक अलग बात होगी, लेकिन कोई ना कोई इलाज मिल जाएगा, ला इलाज बीमारी कभी नहीं, और बहुत सिंपल सी रेमेडी में भी इनका काम हो जाता है। ओके ठीक है, तो छठे हाउस में जुपिटर जो है वो ऐसा मैजिक दिखा। और किसी का कोई शेयर करना था? थैंक यू सर। सपना जी ऑडियो ऑन करके बताइए क्या कह रहे हो। जी सर, गुड इवनिंग सर। सिक्स हाउस में मेरा जुपिटर है और मुझे बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम्स हुई है कि डॉक्टर्स ने हार्ट अटैक दिए थे कि अभी नहीं बचेगी। जीवन में दो बार ऐसा हुआ लेकिन दोनों बार मैं ठीक हो गई सर। मैं बीमार बहुत रहती हूँ लेकिन मैं ठीक भी हो जाती हूँ। कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई निदान, कोई ना कोई ट्रीटमेंट आपको लग जाएगा और आप ठीक। बिल्कुल सर, बिल्कुल। छठे हाउस का जुपिटर बीमारी भी देगा और बीमारी का इलाज भी साथ साथ देगा। मैंने क्या बोला, डॉक्टर जहां पे मना कर देंगे ना कि जी अब बस मामला खत्म है, बचेंगी नहीं, वहां पे भी इनका कोई ना कोई उपाय बड़ी आसानी से इनको मिल जाता है। बिल्कुल सर। ये इसके बारे में ज्योतिष में एक बात कही जाती है कि ये लोग मंदिर की भभूत लेके भी लगा लेना माथे पे तो भी ठीक हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि इतना सिंपल उपाय, पॉइंट उसका जो है वो ये है, इतना सिंपल उपाय भी इनके लिए रामबाण हो और वो ठीक हो। लेकिन हाँ, छठे हाउस में जुपिटर है तो बीमारी अपने समय पर वो जरूर देगा, लेकिन इलाज भी साथ साथ। अच्छा, कितने लोग हैं जिनकी पत्री में मंगल और राहु की युति कैसे भी हो रही है? मंगल राहु और मंगल राहु शुक्र सर अष्टम में बैठा हुआ मेरा। डायबिटीज हो गई? नहीं सर। नहीं हुई? नहीं सर। सर मेरा भी है मंगल राहु। मंगल राहु और सर शुक्र भी है सर, तीन चीज है सर। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ मंगल और शुक्र जब भी एक साथ आ जाते हैं डायबिटीज होती जरूर है। मंगल राहु 212 में है सर। तीन ग्रह हो गया ना सर, मंगल राहु और शुक्र भी। इससे फर्क नहीं पड़ता, दो अपना काम तो करे, तीसरे को तो बाद में मिलने ही है, पहले दो की बात कर लें। फिर और ये एक जगह सूर्य बुध भी है सर। हाँ, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेव करने वाला भी लगा हो। और आप मेडिटेशन वगैरह तो नहीं करते? सर करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। करते हैं लेकिन जुड़े हुए सर। करते हो ना? हाँ जी सर। सर आपको ये नहीं पता, एक चीज और बता देता हूँ, ये योग चाहे जितने मर्जी काम कर रहे हो आपकी पत्री, लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो ये यार सारे के सारे रोग देने वाले जो ग्रह है ना, इनका असर अपने आप कैंसिल हो। अगर कहीं पे आपका ये योग बन रहा हो बीमारी का और आप मेडिटेशन ध्यान करते हो, हम बोलते रह जाते हैं आपको ये रोग होगा, ये रोग होगा, ये रोग होगा, पर सामने वाला कहता है मुझे कुछ नहीं। पता क्या लगता है कि मेडिटेशन करते हैं इसलिए मुझे कुछ नहीं। 100 बीमारियों का नहीं, 1000 बीमारियों का एक इलाज है मेडिटेशन। जो लोग अच्छे से मेडिटेशन करते हैं उनको कोई रोग तंग नहीं करता, गंदे से गंदी बीमारी भी उनको तंग नहीं करती, खतरनाक से खतरनाक बीमारी भी उनको तंग छूटी भी नहीं। सर चंद्र बृहस्पति भी बैठा हुआ सर एक जगह। मेरे एट हाउस में मंगल और राहु है, लेकिन आपने जैसे बोला कि मेडिटेशन वो सब करने से, वो मैं सब बहुत करती हूँ, जिसमें सुंदर कांड भी, हनुमान चालीसा भी रोज होता है, तो टच वुड बाय गॉड ग्रेस की अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब एक मैं वही कह रहा हूँ, जो लोग ध्यान मेडिटेशन करते हैं उनको कोई रोग नहीं सता। यहाँ तक देखा है कि पत्री में कैंसर का योग है, 100% कैंसर होगा, और वो इंसान कहता है मुझे कुछ नहीं, नहीं होता, होता भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेडिटेशन करता है। मेडिटेशन इतनी पावरफुल चीज, अगर सारी बीमारियों से निजात पानी है तो मेडिटेशन सबसे अच्छा है। सर मेरा मंगल नीच होने के बावजूद मैं तो सर बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड हूँ, वो सब हूँ, पर समझ नहीं आता फिर मंगल। अभी हम उस बारे में बात, अभी उस बारे में। ओके ओके सर। सर सर आई किस से होता है ये बताएंगे? नीच ऊंच कुछ नहीं होता, ये बेकार की होता है। हाँ जी सर, वाइकल से होता है, किस प्लैनेट से? सर्वाइकल पूछ रही है। अच्छा, सर्वाइकल जो है दो तीन कॉम्बिनेशन होते हैं सर्वाइकल से। सर्वाइकल भी असल में हमारी बैक पेन से ही जुड़ा हुआ है, नीचे होता है तो
तो वो बैक पेन हो जाता है, ऊपर होगा तो सर्वाइकल हो जाता है, लेकिन उसका कारण सूर्य और शनि की युति ही, क्योंकि वो है कहीं ना कहीं हड्डियों का दर्द और नसों का दर्द, हड्डियों में नस फंस जाती है, जो हमारी स्पाइन होती है उसमें नस फंस जाती है, उसकी वजह से सर्वाइकल नीचे हो गया तो बैक पेन, ऊपर हो गया तो सर्वाइकल ऐसे रहता है, नीचे पैरों में हो गया तो घुटनों का दर्द हो गया, है तो एक ही है।